हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आई साउथ की बहुत ही फेमस रेसिपी पोंगल। ये बनती तो दाल चावल से है, लेकिन खिचड़ी नहीं होती है और इतनी ज्यादा टेस्टी बनती है कि आप दाल चावल दलिया खिचड़ी सब भूल जाओगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक पैन के अंदर आधा कप मूंग की दाल ली है। अब इसको हम तब तक भूनेंगे जब तक ये लाइट ब्राउन नहीं हो जाती। दाल को भूनने से हमारे पोंगल का स्वाद बहुत ही बढ़िया हो जाएगा, क्योंकि रोस्टेड दाल का फ्लेवर अलग ही आएगा। दोस्तों, ये खाने में जितना ज्यादा टेस्टी बनता है, बनाने में उससे भी ज्यादा आसान है और इजीली डाइजेस्ट भी हो जाता है। ये देखिए दोस्तों, हमारे यहाँ पे मूंग की दाल हल्की ब्राउन हो चुकी है। अब हम यहाँ पे गैस बंद कर देंगे और इस दाल को एक बाउल के अंदर निकाल लेंगे। दाल को बाउल में ट्रांसफर करने के बाद अब इसके अंदर हम आधा कप चावल डालेंगे और इन दोनों को अच्छे से पानी से कई बार धो लेंगे। दोस्तों, मैंने यहाँ पे दाल और चावल को पानी से बिल्कुल बढ़िया तरीके से कई बार अच्छे से धो लिया है। अब हम कुकर लेंगे और इस दाल चावल को हम कुकर के अंदर डाल देंगे। अब हम कुकर के अंदर लगभग 4 कप पानी डालेंगे। यहाँ पे हमने आधा कप दाल और आधा कप चावल लिया था, इसलिए हम इसका 4 गुना पानी डालेंगे। अब इसके अंदर हम स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और 1/4 चम्मच हल्दी डालेंगे। अब इसके अंदर हम 1 हरी मिर्च को बीच में से चीरा लगा के इसके अंदर डाल देंगे और इसको 4 से 5 सीटी आने तक मंदी आंच पे अच्छे से पका लेंगे। दोस्तों, अगर आपको साउथ इंडियन खाना बहुत ज़्यादा पसंद है और आप इसकी और भी रेसिपीज देखना चाहते हैं, तो मैंने उसकी पूरी प्लेलिस्ट इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। दोस्तों, हमारे यहाँ पे कुकर के अंदर 5 सीटी आ चुकी है। अब हम यहाँ पे गैस बंद कर देंगे और कुकर के भाप को पूरी तरीके से निकलने देंगे। दोस्तों, हमारे यहाँ पे कुकर की भाप पूरी तरीके से अपने आप निकल चुकी है। अब हम यहाँ पे कुकर खोलेंगे और हम यहाँ अपने दाल चावल को बिल्कुल बढ़िया तरीके से अच्छे से घोटते हुए मिला लेंगे। जिस तरीके से हम खिचड़ी को घोटते हैं, उसी तरीके से दाल चावल को बिल्कुल अच्छे से घोटते हुए इसको मिला लेंगे, ताकि दाल बिल्कुल चावल के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए। ये देखिए दोस्तों, हमारे यहाँ पे दाल चावल बिल्कुल बढ़िया तरीके से मिक्स हो चुके हैं और बिल्कुल परफेक्ट इसकी कंसिस्टेंसी भी बनी है। दोस्तों, अगर आपके दाल चावल थोड़े सूखे सूखे और गाढ़े बन जाएं, तो आप इसके अंदर बाद में गर्म पानी डाल के इसको पतला भी कर सकते हैं। आइए दोस्तों, अब इसके लिए तड़का तैयार करते हैं। सबसे पहले हम एक पैन के अंदर 1 बड़ा कड़छी देसी घी डालेंगे। इसमें देसी घी थोड़ा सा ज्यादा ही पड़ता है। अब इसके अंदर हम 1 चम्मच साबुत काली मिर्च, 1/2 चम्मच जीरा, 1/4 चम्मच हींग और 1/2 चम्मच अदरक डालेंगे और इन सबको अच्छे से मिला लेंगे। दोस्तों, हमारे को यहाँ पे काली मिर्च के बाद सारे मसाले जल्दी जल्दी डालते चले जाना है, क्योंकि काली मिर्च डालने के बाद वो जल्दी से उछलने लगती है। अब इसके अंदर हम 15 से 20 करी पत्ते डालेंगे और 3 से 4 साबुत लाल मिर्च डालेंगे। अब इसके अंदर हम 1 हरी मिर्च को काट के बीच में से डाल देंगे और तेल के अंदर हल्का सा भून लेंगे। अब इसके अंदर हम काजू डालेंगे और इसको भी हल्का ब्राउन होने तक घी के अंदर हल्का सा भून लेंगे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ये देखिए दोस्तों, हमारा यहाँ पे काजू हल्का ब्राउन होना शुरू हो चुका है। अब इसको हम थोड़ा सा और भून लेंगे। रोस्टेड काजू का स्वाद हमारे पोंगल के अंदर बहुत ही अच्छा आता है। आप चाहें तो इसके अंदर कच्ची मूंगफली डाल के भी उसको थोड़ा सा भून सकते हैं और पोंगल के अंदर डाल सकते हैं, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। अब इस तड़के को हम उबले हुए दाल चावल के अंदर डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए दोस्तों, इसका कितना बढ़िया कलर आ रहा है कि इसको देख के ही मुंह में पानी आ रहा है। ये लीजिए दोस्तों, हमारा बहुत ही ज़्यादा टेस्टी पोंगल अब तैयार हो चुका है ना। बहुत ही ज़्यादा सिंपल रेसिपी, आप इसको कभी भी बना सकते हैं। दोस्तों, इस पोंगल की रेसिपी को एक बार आप ज़रूर बना के देखिएगा, आपको बहुत ही ज़्यादा स्वाद लगेगी और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा। चलिए दोस्तों, आपसे फिर मिलती हूँ एक नई टेस्टी इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ।